के टारगेट 650 का होगा, टीवीएस मोटर्स 639 पर डिहाइब्रिडेट कर रहा है, और टाटा मोटर्स अगर देखें तो अभी अब बात करने के बाद इसमें क्या गजब का मूव आया, स्टॉक 485 पे ट्रेड करता हुआ अच्छा स्विंग देकर। ऑटो में अगर आप देखें वाकई स्क्रीन पर जो स्विंग है वह बहुत स्ट्रांग विजिबल है इस वक्त। कैश के कुछ स्टॉक्स देखिए जिनमें अगर आप देखें सडनली एक्टिविटी बड़ी है। अच्छा टाटा मोटर्स पर भी नज़र रखिएगा, टाटा मोटर्स DVR दोनों अच्छा करते हुए इस वक्त। RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड 3440 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। और कुछ काउंटर्स अगर आप देखें जिनमें अच्छा मूव है उसमें आदित्य बिरला फैशन का जो ट्रेड करीब करीब 271 पे लिया था वो डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और अगर आप देखें तो इस वक्त आपका इस वक्त बॉश भी डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, तो स्विंग अच्छे खासे मिल रहे हैं। निफ्टी करीब 17370 के स्तर पे और निफ्टी बैंक करीब करीब 3500 के जोन में आके ट्रेड कर रहा है। राजेश जी ABFRL अब करीब करीब 273.60 हो गया, इसको कहाँ तक के टारगेट के लिए रखेंगे आप? जब हम उस वक्त खबर डिस्कस कर रहे थे उसके बाद एक मूव शुरू हुआ इस स्टॉक में, अभी इंट्राडे में 275-276 की रेंज नजर आ रही है आपको? वीरेन जी आराम से 276 तो दिख ही रहा है, 276 ने मुझे 280 दिख रहा है, तो देखते हैं अगर 276 तो डेफिनेटली करेगा, लेकिन 280 तक का एक मूव मुझे यहाँ पे इंट्राडे स्विंग दिखता है, तो जिन्होंने हमारे कहने पे लिया उनके लिए तो स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया था 267 का, तो बने रहे। अगर आपको लगता है 276 के आसपास बुक करना है तो कर सकते हैं, वैसे स्विंग है, दीज आर ऑल स्विंग ट्रेड्स। स्विंग ट्रेड आपके स्क्रीन पर आप देखें डीआई पे ट्रेड कर रहे हैं। अमित सेठ जी आपको ऑटो में कोई कॉल ऑप्शन किसी स्टॉक पे अगर इम्प्रेस कर रही हो तो प्लीज़ बताइएगा, क्या कैरी करना चाहेंगे ऑप्शंस में आप ऑटो में, क्योंकि नेक्स्ट डे जब हम मुलाकात करेंगे मंडे मॉर्निंग तो हम ऑटो फिगर्स पे ही सबसे ज़्यादा बात कर रहे होंगे। एनी ऑप्शन थॉट्स इन ऑटो? सर मेरे को बजाज ऑटो काफी अच्छा लग रहा है, इसमें एक हमने आने से हमें डैमेजेस देखी थी कल, काफी दिनों के मोमेंटम के बाद कल हमने इसमें करेक्शन देखा था और आज फाइनली ये वापस अप ट्रेंड में आ रहा है, तो ऑप्शन प्राइस तो मेरे सामने अभी है नहीं, लेकिन आप बजाज ऑटो में एट द मनी या जरा सी आउटसाइड ऑफ द मनी की कॉल हम कंसिडर कर सकते हैं बजाज ऑटो में। स्टॉक्स में आप बढ़िया मूव प्री डेटा आते हुए देख ही रहे हैं। वीरेन जी हम लोग जिक्र तो बहुत कम करते हैं लेकिन यहां पर आइडिया सेल्यूलर यानी कि वोडाफोन आइडिया आपको बहुत बढ़िया मूव देता हुआ दिख रहा है। एक चार्ट चेक सिर्फ, ये करेंगे प्रकाश गाबा साहब। प्रकाश जी वॉल्यूम बहुत बढ़िया है, अभी भी आपके सामने 35 मिनट का आप देखिए ट्रांजेक्शन बचा है और आइडिया लगातार इंट्राडे हाइज लगाता हुआ, क्या लगता है आपको आइडिया को लेना चाहिए? बढ़िया स्टॉक है, इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर देखिए हाई टाइम फ्रेम पर बेसिस पर तो 14 रुपए में बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, और जो स्ट्रक्चर बना है 12 और 13 के बीच में उसे तो संकेत दे रहा है कि जो 17 का जो हाई बना है रिसेंटली वो मैं पार कर लूंगा, मैटर ऑफ टाइम। अगर वो 17 पार कर लेगा तो कहां तक जाएगा, 20 भी जा सकता है। अब ट्रेड करा है 15 के जोन पर, आइडिया को तो लेना चाहिए और स्टॉप लगाना चाहिए 14 रुपए का और टारगेट होना चाहिए 20 के करीब, तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग ब्यूटीफुल है, आइडिया गुड आइडिया। आइडिया गुड आइडिया करीब करीब आपकी स्क्रीन पर डीआई पे ट्रेड कर रहा है 15 रुपए 35 पैसे में। अच्छा यतिन अभी बता के गए थे डाबर, जनाब डाबर में अगर आप देखें स्विंग बहुत अच्छा मिलता खासा इस वक्त, और रोलिंग करीब करीब 582 पे ट्रेड कर रहा है, स्विंग अच्छा जनरेट कर रहा है। एचयूएल पर डिस्कशन हुआ, टाटा कंज्यूमर पर डिस्कशन हुआ और डाबर अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। इसका इसका जरा एक बार ओआई एडिशंस लेके आइए आप, एग्जैक्टली अगर आप देखें ओआई एडिशंस कैसे हैं इसके, और फिर बात करते हैं नीलेश जैन जी से। नीलेश जी डाबर में आपको कहाँ तक का स्विंग नज़र आ रहा है आपको, अगर एक ट्रेड लेना हो कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स में? बिल्कुल वीरेन जी, देखिए यहाँ पे एक 200 DMA को इसने आज क्रॉस किया है, बिल्कुल यहाँ पे मेरा ये मानना है कि पिक ऑफ द जनवरी सीरीज भी साबित हो सकता है, जिस हिसाब से एक अंडर परफॉर्मेंस हमने ओवरऑल FMCG पैक में देखा है उसके बाद एक रिवर्सल, मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे 600 का कॉल ऑप्शन थोड़ा पोजिशन यहाँ से लेना होगा जो कि 5 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे खरीद के चल सकते हैं। 2 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, 12 से 15 रुपए ये दो टारगेट पकड़ के चल सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। साथ ही साथ अगर आप इसके अंदर MACD देखें तो वहां पे एक बाय क्रॉस ओवर देखने को मिला, साथ ही साथ RSI में एक बॉटमिंग आउट का प्रोसेस हमें देखने को मिला जो इंडिकेट कर रहा है कि काउंटर में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है, और अंडरलाइन का अगर मूव देखें तो 600 से 620 का बहुत ही शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिल सकता है।
चलिए अब इस स्टॉक से बाहर निकलते हैं। आपके स्क्रीन पर 17,360 ये निफ्टी का स्तर है और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इसमें। अगर आप देखें क्रॉम्पटन ग्रीव्स, आइडिया इस वक्त डे हाई पर ट्रेड करते हुए, टाटा मोटर्स अब 486 इन फ्यूचर्स, रेल विकास निगम लिमिटेड इस वक्त करीब 34 पैसे पर डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक का वक्त है, छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हासिल होते हैं।